लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनेता जनता दरबार के साथ ही भगवान के दरबार पर जाकर चुनावी रण में खुद की विजय की कामना की अर्जी लगा रहे हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ग्वालियर के रामबाग कॉलोनी सिंधे की छावनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। राज बब्बर ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए लिखित अर्जी दरबार में रखी, साथ ही उन्होंने हनुमान जी के कान में अपनी मनोकामना बताकर संकल्प की सुपारी मंदिर में रखी। आपको बता दें कि इससे पहले राज बब्बर ग्वालियर के इस संकट मोचन मंदिर में 2009 में आए थे। उस समय उन्होंने फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़कर मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को हराया था।